सुरवेल में एक युवक गिर गया। बड़ी खबर सीतापुर से, पंप का वॉल्व खोलने के दौरान हुआ ये हादसा। पिछले कई घंटों से बोरवेल के अंदर है युवक। मचरेहटा थाना क्षेत्र के पट्टी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर खेत में बने 40 फुट गहरे बोरवेल में एक युवक गिर गया। आपको बता दें कि युवक पंप का वॉल्व खोलने के दौरान ये हादसा हो गया। पिछले कई घंटों से बोरवेल के अंदर है युवक। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मचरेहटा थाना क्षेत्र के पट्टी गांव का ये मामला है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सीतापुर से, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, आपसे जाना चाहेंगे कि क्या युवक को बाहर निकाल लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगे, शाम को ये जो बोरिंग की पाइप थी उसी का वाल बदलने के लिए अंदर घुसा था, उसी के बाद से मिट्टी में वहीं से ठहर गई और उसी गड्ढे में दब गया है। अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं, मशीनें चालू है, वहां से खोदा जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक का निकाला नहीं जा सकता है और प्रयास लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम को बता दिया गया, अभी मौके पर पहुंच रही है, तो काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक किस हालत में है अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। जी अबरार, कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं इस वक्त घटनास्थल पर? जी, मौके पर स्थानीय पुलिस जो पीएसी के हैं और जवान हैं, और उसके बाद जो है एनडीआरएफ की टीम बताया गया है लखनऊ से पहुंच रही है और खुदाई चल रही है। ये मचरेटा के भिठौरा गांव पड़ता है, जहां पर ये रात में ये 26 साल का युवक है जो अंदर वाल बदलने के लिए अंदर घुसा था, उसी में मिट्टी ढह जाने से ये। अबरार, क्या लगता है कि युवक को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? जो वहाँ से लोगों से बात हुई और अधिकारियों से बात हो रही, तो लगातार कुछ ही घंटों बाद उसे बताया जा रहा है कि जल्दी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि मशीनें लगातार वहां तक पहुंच चुकी हैं, खुदाई चालू है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अबरार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहाँ पर एक बोरवेल में एक युवक गिर गया। लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले कई घंटों से बोरवेल के अंदर है युवक। लगभग 12 घंटे से बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है युवक, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खुदाई की जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर में युवक को बाहर निकाल लिया जाएगा।